सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अब यहाँ पे मैं दो वीडियोस एक साथ बना रहा हूँ जिसमें कि आपको माइलेज टेस्ट दिखाऊंगा कार का 10,000 किलोमीटर के बाद और थर्ड सर्विस के बाद। तो मैंने ऑलरेडी आपको इनिशियली बता दी हैं सारी डिटेल्स। सो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे जो भी एक्सेल सिक्स के ऑनर हैं या जो खरीदना चाह रहे हैं या अदर जो एंथुजियास्ट हैं। सो वो लोग पूछ रहे थे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा एक्सेल सिक्स को लेके। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल रॉ वीडियो होगी और बिल्कुल दिल से आएगी जो भी बातें होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा आर्टिफिशियल होगा या कुछ भी होगा। सो मैं स्टार्ट जीरो से करूँगा, स्क्रैच से, कि मैंने जब कार को खरीदा, मैं ड्राइव करते करते बात करता रहूँगा आपसे, मेरा फोकस ड्राइविंग पे होगा और साथ में व्लॉग भी बनता रहेगा। सो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, अभी रेड लाइट पे हूँ तो आपसे फोकस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे बात करते हैं, इनिशियली मैंने एक्सेल सिक्स की क्यों ली, मैंने किया कैरेंस क्यों नहीं ली, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया भी हुआ है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मुझे चाहिए था वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। मेरी कार ड्राइव होती है बहुत ज़्यादा, मतलब पर डे लगा लो 75-80 किलोमीटर तो चलनी चलनी है मिनिमम। सो यहाँ पे मुझे चाहिए था थोड़ा वैल्यू, मतलब लाइक पेट्रोल के अलावा मुझे सीएनजी भी चाहिए थी कार। तो उसमें जो ऑप्शन मिल रहे थे, मुझे 7 सीटर भी चाहिए थी, मतलब मिनिमम मुझे 6 सीटर चाहिए थी। तो मैं 7 सीटर के लिए ट्राई कर रहा था। तो अर्टिगा भी मेरे उस फोकस में थी, मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई थी अर्टिगा भी। तो बट कहीं ना कहीं अर्टिगा की जो लुक थी वो थोड़ी टैक्सी वाली थी, और वो सब कुछ माइंड में आता है जब खरीदते हैं चीज़ों को, और जब चीज़ खरीदने जाते हैं तो 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे तो कार के अंदर हो ही जाता है। तो यहाँ पे अर्टिगा को मैंने इसीलिए ड्रॉप किया क्योंकि अर्टिगा में एक टैक्सी वाली फीलिंग थी, थोड़ा सा अलॉय व्हील मुझे उसके अच्छे नहीं लगते थे, साइज़ भी कम था अलॉय व्हील का, रूफ रेल नहीं थी। तो जो एक बात करूँ प्रोपोर्शनैलिटी की कार की, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो काइंड ऑफ एमपीवी बहुत ज़्यादा लगती थी जो कि है वो। बट एक्सेल सिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा एसयूवी वाला जो स्टांस है वो देखने को मिल जाता है, मतलब आपको थोड़ी फील वो एसयूवी वाली आ जाती है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो अर्टिगा में सीएनजी में नहीं मिल रही थी, जैसे कि आपको यहाँ पे बात करें, रियर वाइपर की बात करते हैं, बहुत सारी कई सारी चीज़ें, डिफॉगर की बात करते हैं, और आपको एंड्रॉयड एप्पल सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस कार के अंदर। इसके अपर सेगमेंट में हाँ मिल रहा था, बट वो फिर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं रह रहा था दोनों कार में। और एयर बैग्स की बात करूँ तो वो भी इसमें मिल रहे थे आपको, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इसके अंदर आपको मिल रहा था एक्सेल सिक्स के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, वैल्यू थी, और व्हील साइज भी इसका ज़्यादा मिल रहा था, रूफ रेल मिल रही थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जब मैंने शॉर्टलिस्ट की, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर ज़्यादा मिल रही थी। सो जब मैंने पूरा शॉर्टलिस्ट किया और मुझे लगा वैल्यू कौन सी कार मुझे ज़्यादा देगी, तो मुझे लगा एक्सेल सिक्स ही लेनी चाहिए, मुझे ज़्यादा वैल्यू देगी। देखो लंबी कार चलानी है, 5 साल तो मुझे चलानी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, बाकी वक्त भी है, वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगी, हो सकता है ये मूड भी चेंज हो जाए। बट उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए इस कार को लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब जो प्राइसिंग थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, अगर मैं एक्सेल अर्टिगा के टॉप मॉडल से बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा थी। अब बात करते हैं सर्विस की, तो सर्विस में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सर्विस बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है हमेशा से मारुति की, और इजीली अवेलेबल है, घर के मेरे 1 किलोमीटर दूर ही इसका सर्विस सेंटर है, तो और क्या चाहिए, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाती है। जब मैं कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं नहीं जा पाऊँगा तो पिक एंड ड्रॉप भी हो जाता है। मेरे ऑफिस के पास में है इसका सर्विस सेंटर, अगर मुझे वहाँ पे भी देनी हो तो मैं वहाँ भी दे सकता हूँ। तो मतलब आपको ऑप्शंस बड़े अच्छे मिल जाते हैं, आफ्टर सेल्स की वैल्यू भी बहुत अच्छी है इस कार की, तो सेल्स एंड सर्विस भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अब बात करते हैं ये कितने की मुझे सर्विस पड़ी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहली 2 सर्विस में मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, वो एक बार ये सर्विस सेंटर वालों ने मैट वैट डाल दिए थे, उसके बाद सेकंड में मैंने उन्हें बोल दिया कि ये मैट वैट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, और फालतू का बेकार है वो मैट, आप भी मत डलवाया करो कभी भी, अगर आपको डाल के देते हैं पेपर मैट जो होते हैं तो वो कभी मत डलवाया करो, और कार को गंदे ही करते हैं वो अंदर ना, फिर फेंकने पड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो अपने जो मैट डले हुए हैं वही बेटर हैं। और फिर मैंने वो मना कर दिया, पहली 2 सर्विस में कुछ भी पैसा नहीं खर्च हुआ। उसके बाद जो सर्विस थी थर्ड सर्विस, वहाँ पे मैंने सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया था क्योंकि मेरी लॉन्ग रन होता है, तो सिंथेटिक में मुझे लंबे टाइम तक अच्छा फ्रिक्शन चाहिए ताकि इंजन की लाइफ अच्छी बनी रहे। कुछ लोग होते हैं जो 10-15 किलोमीटर के रेडियस में ही कार को चलाते हैं, तो आप लोग मिनरल ऑयल भी डलवा सकते हो, मतलब आपके ऊपर है क्या आपको पसंद है।
इसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके के ड्राइव करते हुए आपको कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सर्विस जो थर्ड हुई है उसमें इन्होंने सारी चीज़ें चेंज की थी, सारी चीज़ें नहीं मतलब इंजन ऑयल चेंज किया था, जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन किया था और इंस्पेक्शन हुआ था सारी चीज़ों का, ग्रीसिंग वगैरह हुई थी और क्या क्या होता, कूलेंट चेंज हुआ था, बैटरी चेक, बैटरी में वाटर फिलिंग हुई थी। तो वो जो लोग बोलते हैं ना वाटर फिलिंग नहीं होती आजकल की बैटरियों में, तो उनके लिए बता दूं, ठीक है, इसी साल कार खरीदी है और बैटरी फिलिंग होती है, तो कमेंट बॉक्स में मत बोलना आके कि अब जो बैटरीज आ रही हैं एसिड बैटरीज उनके अंदर वाटर फिल नहीं होता, होता है भाई होता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आके ज्ञानी मत बना करो। अब ये जो सर्विस हुई मेरी, करीब 5000 की मुझे कॉस्ट पड़ी सर्विस में, सिंथेटिक ऑयल की कॉस्टिंग ज़्यादा थी। और वॉशिंग वगैरह तो आपको पता है यार, सर्विस सेंटर पे कैसी वॉशिंग होती है, कि इस बार खड़े होकर मैंने वॉशिंग कराई, तब भी सच बता रहा हूँ उतनी अच्छी वॉशिंग नहीं हुई। ये के लोग क्या करते हैं, पॉलिश वाला जो कपड़ा है उसी से आपकी कार को साफ कर देते हैं और आपके जो मतलब ग्लासेस हैं उनको भी उसी से साफ करते हैं। और मुझे अब सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, फॉग इतनी ज़्यादा जमनी शुरू हो गई है, अब इसके लिए मैंने सिरेमिक कोटिंग मंगाई है, उसको उससे मैं साफ करूंगा इस पॉलिश को। तो भाई पॉलिश की बड़ी प्रॉब्लम है, ये पॉलिश कह रहा हूँ, वॉशिंग की बड़ी प्रॉब्लम है यार इन लोगों के साथ, पॉलिश में बड़ी दिक्कत करते हैं। तो अब जब भी करवाओ ना बोल दो भाई मेरे ग्लासेस साफ मत करना, खुद कर लिया करो। ये सर्विस सेंटर वाले ना भाई इतना गंदा कपड़ा यूज करते हैं, इतना गंदा, उसके अंदर इतनी डस्ट होती है, उसके अंदर पॉलिश भरी रहती है, इन्हें पता ही नहीं है कौन सा जो कपड़ा है कब लेके रखना है। अरे भाई चला ले यार। तो भाई प्रॉब्लम तो है देखो ये वॉशिंग वगैरह में इनके यहाँ पे, आई थिंक मैंने जो फील किया है वो हर जगह के साथ यही प्रॉब्लम है, जब तक आप पैसे खर्च नहीं करते ना अलग से वॉशिंग के लिए तब तक आपको वो चीज़ मिलती ही नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कार को लेके, देखो सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टिंग को लेके बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, कॉस्टिंग की मतलब बहुत बढ़िया है, इतने में कई फोर व्हील जो टू व्हीलर होते हैं उनकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है जितने में आपकी मारुति की सर्विस हो जाती है। अच्छा माइलेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितनी माइलेज दे रही है थर्ड सर्विस के बाद में, और वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू दे रही है, और जो ड्राइवेबिलिटी है कार की वो बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। देखो जो CNG भी आपको मिलनी चाहिए वो चीज़ आपको मिल रही है, अब आप इससे डीजल वाली एक्सपेक्टेशन मत कर लेना कि आपको डीजल वाला वो देगा। मैं पहाड़ों पे भी लेके जा चुका हूँ इस कार को 2 बार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो थोड़ा सा क्या होता है, जब कार पहाड़ों पे मोमेंटम में होती है तब तो उसको चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर एक बार रुक गई है तो थोड़ा सा आपको आपके जो एक्सपीरियंस पे बात आ जाती है कि आप कैसे उसको उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फील होगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस कार से, मुझे बहुत बढ़िया लगी ये कार। और बात करी जाए इस कार की तो मैं इसको बहुत अच्छी रैंकिंग दूंगा, अभी रैंकिंग दूंगा इसको थोड़े टाइम के बाद और, बट अभी 10,000 किलोमीटर पे मैं कहूँगा कार रियली में वर्थ रखती है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस कार को लेके। और आपकी रनिंग कॉस्ट को कम रखती है, आपकी सर्विस कॉस्ट को कम रखती है, आपसे ज़्यादा खर्चा नहीं मांगेगी, जब आप इसे ज़्यादा भी चला लेंगे 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर भी चला लेंगे तो आपसे ज़्यादा खर्चा नहीं मांगेगी ये कार। सो ओवरऑल बात करूँ तो XL6 की भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। और अगर आप सोच रहे हैं तो भैया अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से कार को खरीदें, कभी भी किसी के कहने से कभी ना खरीदें, खुद को जब तक सेटिस्फाई ना हो कभी भी कोई कार आपको खरीदनी नहीं है। सो मैं यही कहूँगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, XL6 के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लें, कार्स के बारे में जानना है, कार की नॉलेज गेन करनी है, डेली शॉर्ट्स इसमें मैं डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।